पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं। आम लोग परेशान हो रहे हैं। विपक्ष सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है और सरकार की तरफ से राहत मिलने के अभी हाल में कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। रोज बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल के दामों से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। एक तरफ जहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का तेल निकलता हुआ नजर आ रहा है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल की कीमत पेट्रोल के दामों से ज्यादा है। लगातार 18वें दिन भी हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में एक लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 88 पैसे है। हालांकि दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ राहत है। नोएडा में डीजल के दाम 72 रुपए 3 पैसे के हिसाब से बिक रहा है। अब सवाल उठता है कि अब की बार महंगाई पर वार का नारा देने वाली बीजेपी सरकार का क्या अर्थशास्त्र फेल हो गया है और आसमान छूते डीजल के दामों की वजह से किसानों का क्या हाल हो रहा है, सुनिए। जी बिल्कुल, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से किसानों के ऊपर लगातार मुसीबतें बढ़ती आ रही हैं। किसानों की एक तरफ जहां आमदनी कछुए की चाल से चल रही है, वहीं डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के बाद किसान आज परेशान हो गया है। उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कृषि की इस समय बुआई का काम हो रहा है, हमें डीजल की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, हमें अपने पंपिंग सेटों में डीजल की आवश्यकता पड़ती है, ट्यूबवेल आदि में सिंचाई के लिए भी आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में आज इतिहास में अगर हम लोग देखेंगे तो इतिहास में पहली बार पेट्रोल के ऊपर डीजल हो गया है, जबकि आज तक डीजल हमेशा पेट्रोल से सस्ता रहा है। लेकिन ये सरकार का जो अर्थशास्त्र है, ये किसानों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सरकार चाहती क्या है। भाई एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, अब ये क्या दोगुनी करने का उनका यही फार्मूला है कि डीजल के दाम बढ़ा देंगे? किसानों की लागत बढ़ती जा रही है, उसके फसल के दाम जो है नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप देख लीजिए 53 रुपये जो धान के कीमत में बढ़ोतरी हुई है इस बार, वो आज़ाद भारत में पहली बार सबसे कम बढ़ोतरी हुई। 53 रुपये क्विंटल का मतलब है 1 किलो गेहूं पर 53 पैसे की बढ़ोतरी। और आप ये देख लीजिए 53 पैसे की बढ़ोतरी करने के बाद सरकार ने आज डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। इससे तो यही लगता है कि एक हाथ से पैसा दे रही है सरकार और दूसरे हाथ से पैसा ले रही है। देने में तो 10 पैसे हैं लेकिन लेने में 1 रुपये सरकार पीछे नहीं हट रही है। हम किसान इसका विरोध करते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने बहुत ही जल्दी इन डीजल के कीमतों में कमी करने का ना काम किया तो भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन करेगी। डीजल व पेट्रोल के दामों के बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, किस पर बोझ पड़ता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। और यह जुबानी है उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले की, सुनिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। पेट्रोल और डीजल के दामों में सरकार द्वारा कोई लगाम नहीं लगाई गई तो इसका असर महंगाई पर भी पड़ेगा और इस बाबत पूर्व मंत्री व रायबरेली जिले के ऊंचाहार से सपा विधायक मनोज पांडे ने बढ़ते डीजल व पेट्रोल के दामों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जहां तक देश में डीजल और पेट्रोल की वृद्धि का सवाल है तो हम कह सकते हैं 5 दशक में देश में सबसे ज्यादा वृद्धि डीजल और पेट्रोल में आज हुई है। अगर हम इन 12-15 दिनों के बीच में देखें तो 12 से 13 रुपए की वृद्धि इन 10-12 दिनों के अंदर ही डीजल में भी और पेट्रोल में भी हुई है। जहां तक इस डीजल और पेट्रोल के महंगाई पर और रेट बढ़ने पर सवाल है तो हम कह सकते हैं कि आज पूरा देश कहीं ना कहीं इस पर बड़े पूरा व्यापार इस पर आधारित रहता है। आज ट्रांसपोर्टिंग जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सब्जियों के रेट भी बढ़ेंगे, किराने का भी सामान बढ़ेगा, खाद्य सामग्री भी
के रेट भी बढ़ेंगे और तमाम चीजों पर जो ट्रांसपोर्टिंग होती है उसके रेट कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। और खासकर उस समय जब देश कोविड 19 से आज कहीं ना कहीं पूरा घिरा हुआ है, कोविड 19 से परेशान है, आर्थिक व्यवस्था देश की चरमरा गई है, आज गरीब और मध्यम श्रेणी उसके लोगों के जेब में पैसा नहीं रह गया है, उस समय जब डीजल और पेट्रोल की वृद्धि होगी तो सबसे ज्यादा इसकी मार मध्यम श्रेणी के लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर और सबसे ज्यादा किसान पर होगी। आज किसान किस पर आधारित है? आज उसे थ्रेसिंग करानी है तो डीजल की जरूरत है, उसे सिंचाई के लिए पंपिंग सेट चलाना है तो उसे डीजल की जरूरत है, आज उसे खेत की जुताई करनी है, रुपाई करनी है, कटाई करनी है तो कहीं ना कहीं उसको ट्रैक्टर की आवश्यकता है और इसका सबसे ज्यादा अधिभार वो किसानों पर पड़ेगा। आज देश का किसान ऐसे ही बड़े संकट में है और कहीं ना कहीं वो अपने उत्पादन का मूल्य नहीं पा रहा है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल पर जिस तरीके से वृद्धि की गई है इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और भारतीय जनता पार्टी को अपने इतिहास को याद करना चाहिए। जब देश में 20 पैसे 50 पैसे और 60 पैसे की वृद्धि होती थी तो देशव्यापी धरना और प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, उनके बड़े नेता करते थे, आज वो मौन है। और खासकर उस समय जब खाड़ी देशों में कच्चे तेलों के रेट में इतनी तेजी से गिरावट आई है, शायद कभी ये 50 वर्षों में कभी नहीं रही हो, जिस समय तेल के रेट कम होने चाहिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, उस समय सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी आज किसानों को संकट में लाने के लिए डीजल और पेट्रोल के रेट इतनी तेजी से वृद्धि कर रही है। आज इसे देश समझ रहा है और देश का व्यक्ति कहीं ना कहीं किसान, गरीब और मजदूर आज एक बड़े संकट में है, व्यापारी भी कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है। बढ़ते डीजल व पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर नरेंद्र मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं। बीजेपी का नारा था अब की बार महंगाई पर वार, जिस पर कांग्रेस ने कहा दरअसल यह नारा गलत था। तो आखिर नारा था क्या, सुनिए। देखिए, इन लोगों का एक नारा था अब की बार महंगाई पे वार, अब की बार महंगाई पे वार लानी है मोदी सरकार। हमें लगता है कि वो नारा बिल्कुल गलत था। असल में इनका नारा था अब की बार गरीबों पे वार, क्योंकि लानी है मोदी सरकार। यही स्मृति ईरानी जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी गैस सिलेंडर, डीजल गैस के ऊपर किस तरह से प्रदर्शन करते थे। ये कौन सा चेहरा है, ये कथनी करनी में इतना क्यों फर्क है, क्यों बदल गए ये लोग, क्या सब झूठ था? आज डीजल पेट्रोल में होड़ लगी हुई है कि कौन पहले शतक पूरा करेगा, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये महंगाई महंगाई नहीं है, क्या है? आज आप देखिए 55 रुपए टैक्स लिए जा रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। इस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार चलेगी या इस तरह से मोदी जी देश में सरकार चलाएंगे? बहुत शर्म आती है मुझको। और ये कहते हुए कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक नेता नहीं बोलने को तैयार। अब तेल की धार तले सरकार मस्त है और जनता पस्त है, और बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आम लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए वो भी। ये लगातार बढ़ना नहीं चाहिए, उसे ये गलत है, लेकिन फिर भी अब गवर्नमेंट देखिए जो चाहती है इसको, आम जनता को परेशानी तो हो रही है। ऐसे आदमी पहले से ही मेंटली परेशान है कि बाहर निकलना है, कुछ काम करना है, सबको ऑफिस जाना है, सब कुछ करना है, बाकी काम तो चल ही रहे हैं, उसमें एक ये कोरोना का अलग से प्रॉब्लम है, तो सब लोग मेंटली तो डिस्टर्ब है ही है। आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ चल ही रहा है, मतलब बॉर्डर पे भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है, अलग अलग न्यूज़, मतलब बहुत सारी ऐसे न्यूज़ हैं जो आदमी को मेंटली डिस्टर्ब किए, भले वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है नहीं है उससे नहीं मतलब है, लेकिन घर पे रह के आदमी ऐसे ही परेशान है, ऊपर से ये अलग से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो और आम नागरिक का तो परेशानी बढ़ेगा ही। डीजल और पेट्रोल की दरें प्रतिदिन बदलती रहती हैं। अब आपको बता दें हम कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं।
पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। वही पेट्रोल डीजल की कीमत आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल के वेबसाइट के अनुसार आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा और BPCL उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं HPCL उपभोक्ता HP प्राइस लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर रेट पता कर सकते हैं।